नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं गूगल कैमरा 8.4.4 के बारे में। यहाँ पर हमने रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर जीकेएम 8.4.4 का जो बेल्ट है इंस्टॉल किया है। एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान गूगल कैमरा 8.4.4 का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले है। तो वीडियो जो है काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीकेएम 8.4.4 का डाउनलोड लिंक देने को मिल जाएगा, वहां पर जाकर इस गूगल कैमरा को डाउनलोड कर सकते हो। सबमिट करके डेवलपर की तरफ से ये जो जीकेएम का जो बिल्ड है अवेलेबल है, वर्जन है 29। एंड यहाँ पर इस जीकेएम के साथ जो ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है, ढेर सारी फीचर्स को ऐड किया गया है। यहाँ पर एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 12, एंड्रॉइड 13 के साथ ये जो जीकेएम का जो बिल्ड काम कर जाएगा। यहाँ पर रेडमी, शाओमी, पोको, वन प्लस, सैमसंग, आईक्यू, ऑलमोस्ट सभी एंड्रॉइड डिवाइस के साथ जो है, ओप्पो, वीवो, सभी एंड्रॉइड डिवाइस के साथ ये जो जीकेएम का जो बिल्ड काम करता है। यहाँ पर हमने रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के साथ एंड्रॉइड 12 के साथ ये जो जीकेएम का जो बिल्ड काम कर जाएगा। इस जीकेएम को यूज करने के लिए आपके डिवाइस के ऊपर कैमरा टेप एक के ऊपर लेवल 3 और फुल का सपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके डिवाइस के ऊपर कैमरा टेप एक के ऊपर लेवल 3 फुल का सपोर्ट है तो ये जो जीकेएम का जो बिल्ड काम कर जाएगा। नंबर बात कर लेते वर्सन 29 के साथ जो क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है। सबसे पहले पर जो है डेवलपर सेटिंग्स के ऊपर जो है एक नया ऑप्शन को ऐड किया गया है। बेसिकली अगर इस बिल्ड के साथ पर वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन अगर काम नहीं कर रहा है तो आप सिंपली पर जो सेटिंग्स में जाके यहाँ पर जो है जैसे देख सकते हो पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम नहीं कर रहा है बाय डिफॉल्ट, तो सिंपली पर जो है यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन अगर काम नहीं कर रहा है आपको सिंपली यहाँ पर सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद पर स्क्रॉल डाउन करने के बाद पर जो डेवलपर सेटिंग्स देने को मिलेगा। यहाँ पर डेवलपर सेटिंग्स में जाके पर सर्च करना होगा। सिंपली पर सर्च करते हैं ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को सर्च करना होगा। इस ऑप्शन को सर्च करने के बाद सिंपली इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद जो है आपके डिवाइस के ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। तो अगर आपके डिवाइस के ऊपर अगर वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम नहीं कर रहा है आपको सिंपली पर जो है सेटिंग्स में जाके डेवलपर सेटिंग्स में जाके इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद जीकेएम को रिस्टार्ट करने के बाद जो है पर वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इस जीकेएम के साथ। काफी बढ़िया बात है। तो इस तरह से पर जो है वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम करता है। अगर आपके पास पिक्सल डिवाइस है तो ये जो जीकेएम 8.4.4 का जो बिल्ड है पिक्सल डिवाइस के साथ भी काम कर जाएगा। तो अगर आपके पास पिक्सल डिवाइस है तो यहाँ पर पिक्सल 6 से डिवाइस के साथ भी ये जो जीकेएम का जो बिल्ड काम करता है। तो यहाँ पर पिक्सल डिवाइस के साथ अगर आपको व्यू फाइंडर के ऊपर जो है ब्लैक स्क्रीन का इश्यू देने को मिल रहा है आपको सिंपली पर जो सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर जो स्क्रॉल डाउन करने के बाद एडवांस सेटिंग्स में जाके यहाँ पर जो है स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर डिवाइस इंटरफेस का ऑप्शन है। डिवाइस इंटरफेस में आके यहाँ पर जो है अलग अलग लेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो है आपको अलग अलग ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इसके यहाँ पर जो है मेन लेंस का ऑप्शन है, वाइड एंगल लेंस, फ्रंट कैमरा का ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है। और सिंपली अगर आपके पास पिक्सल का डिवाइस है यहाँ पर पिक्सल डिवाइस के साथ अगर आपको यहाँ पर व्यू फाइंडर के साथ ब्लैक स्क्रीन का इश्यू देने को मिल रहा है आपको सिंपली यहाँ पर जो है डिवाइस इंटरफेस में आके और यहाँ पर जो डिवाइस इंटरफेस में आके अलग अलग जो पिक्सल डिवाइस का जो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। पिक्सल 6 प्रो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पिक्सल 6 है, पिक्सल 7, पिक्सल 7 प्रो का ऑप्शन है। सिंपली हम यहाँ पर पिक्सल 6 प्रो को सिलेक्ट करते हैं। पिक्सल 6 प्रो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है गूगल कैमरा को रीस्टार्ट करना होगा। गूगल कैमरा को रीस्टार्ट करने के बाद जो कुछ इस तरह से ये जो ऑप्शन है देने को मिल जाएगा, कुछ इस तरह से यूआई देने को मिलेगा जीकेएम 8.4.4 के साथ। काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर मोशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, लॉन्ग एक्सपोजर का ऑप्शन है, एक्शन पैन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। पर पिक्सल 6 सिलेक्ट करने के बाद जो है पर कुछ इस तरह से यूआई देने को मिल जाएगा। तो पर पिक्सल 6 प्रो सिलेक्ट करने के बाद जो है मोशन का जो ऑप्शन है एनेबल हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ए जो ऑप्शन है एनेबल नहीं रहता, आपको अलग से पर जो है इस ऑप्शन को एनेबल करना होगा। काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर पिक्सल 6 प्रो सिलेक्ट करने के बाद जो है पिक्सल 6 प्रो का जो कैमरा फीचर्स आप यूज कर सकते हो इस गूगल कैमरा के साथ, इसे भी ऐड किया गया है। काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर डेवलपर सीरीज का ऑप्शन है, इसके लिए जो है डेवलपर सीरीज के साथ जो है नया नया फीचर्स को एनेबल कर सकते हो। हमने यहाँ पर डेवलपर सीरीज के बारे में अलग से वीडियो अपलोड किया है, आप सिंपली जीकेएम का जो प्लेलिस्ट है वो आप जाके चेकआउट करके देख सकते हो। यहाँ पर ये सभी ऑप्शन को ऐड किया गया है। बट डेवलपर सीरीज के साथ जो है नया नया जो फीचर्स आप एनेबल कर सकते हो जो कि बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं रहता है, जो काफी बढ़िया बात है। इसके बजे 4K 60fps का ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है। प्लस जो बाय डिफॉल्ट जूम का ऑप्शन चाहते हो पर इंक्रीज कर सकते हो। पर OS का ऑप्शन है, स्लो मोशन पर जो पॉज का ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है। तो पर डेवलपर सीरीज के साथ जो है ढेर सारे ऑप्शन अवेलेबल है, काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर
एडिशनल सिटीज का जो ऑप्शन है इसमें ऐड किया गया है, एडिशनल सिटीज के ऊपर जो इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर जीकेएम 8.4.4 के साथ जो है मोशन फोटोज का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, लाइव फोटोज का ऑप्शन है। यहाँ पर जीपीजी क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, यहाँ पर ऐसे ऑप्शन से पर डिजिबल हेक्सागन का जो ऑप्शन है इसमें ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर कस्टमाइजेशन के ऊपर जो पोर्ट्रेट जूम का ऑप्शन है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पोर्ट्रेट जूम का जो ऑप्शन है यहाँ से एनेबल और डिजिबल कर सकते हो। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो 16x तक जूम का ऑप्शन है उसे अगर चाहते हो पर इंक्रीज कर सकते हो, पर बाय डिफॉल्ट 16x तक जूम का ऑप्शन अगर चाहते हो जूम को इंक्रीज भी कर सकते हो। सिंपली हमने यहाँ पर 30x जूम का जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है, उसके बाद यहाँ पर जी कैम को रीएस्टेट करना होगा। गूगल कैमरा को रीएस्टेट करने के बाद जो कुछ इस तरह से बच्चे 30x जूम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इस पर ऐड किया गया है। तो पिक्सल 6 पर सेलेक्ट करने के बाद जो डबल टैप टू जूम का जो ऑप्शन से काम नहीं करेगा, तो कुछ इस तरह से आप जो है 30x तक जूम को एनेबल कर सकते हो। काफी बढ़िया बात है। बाय डिफॉल्ट बच्चे 16x तक जूम का ऑप्शन है, कुछ इस तरह से 16x तक जूम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर जूम यूआई का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर फोकस ट्रैकिंग का ऑप्शन है, HDR रॉ फिक्स का ऑप्शन है, सैमसंग फीचर को ऐड किया गया है, एजो जीकेएम का जो बिल्ड है दोस्तों, यहाँ पर एजो जीकेएम का जो बिल्ड है सैमसंग डिवाइस के साथ भी काम कर जाएगा। लाइव HDR का ऑप्शन है, लाइव HDR का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, स्विच एपर्चर टू f/2.4 का ऑप्शन है, काफी बढ़िया बात है। प्लस एक्सिनोस फिक्स का ऑप्शन है, सैमसंग का डिवाइस हो जाए सैमसंग एक्सिनोस डिवाइस के साथ भी काम करेगा। यहाँ पर ऑटो नाइट सेट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, ऑलवेज ऑन का ऑप्शन है, पर DCI-P3 कलर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर OIS सेटिंग्स का ऑप्शन है। यहाँ पर वीडियो के ऊपर जो है OIS का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पर OIS का जो स्टेबलाइजेशन का जो ऑप्शन से काम करेगा। एंड यहाँ पर इस जीकेएम के साथ जो है डार्क मोड का जो ऑप्शन है इसे ऐड किया गया है। सिंपली यहाँ पर डार्क मोड का जो ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद गूगल कैमरा को रीएस्टेट करना होगा, तो यहाँ पर जीकेएम को रीएस्टेट करने के बाद जो है डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। तो यहाँ पर हमने गूगल कैमरा को रीएस्टेट किया है, गूगल कैमरा को रीएस्टेट करने के बाद जो है डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम करेगा, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर 30x जूम का जो ऑप्शन से काम कर रहा है, काफी बढ़िया बात है। कुछ इस तरह से गूगल कैमरा को रीएस्टेट करने के बाद जो है 30x जूम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसमें ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। पर 30x जूम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर नाइट साइड मोड के साथ भी 30x जूम का जो ऑप्शन से काम करता है, काफी बढ़िया बात है। इस तरह से बच्चे गूगल कैमरा को रीएस्टेट करने के बाद जो है 30x जूम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस बच्चे डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम करते हैं, इसी ऑप्शन को ऐड किया गया है जीकेएम 8.4.4 के साथ। यहाँ पर जीकेएम 8.4 का बिल्ड इसलिए एंड्रॉइड 12 एंड्रॉइड 13 के साथ जो है मॉन एंड यूआई का जो ऑप्शन से काम करते हैं। बेसिकली बच्चे सिस्टम यूआई के ऊपर जो भी कलर को आप सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली बच्चे सिम कलर गूगल कैमरा के साथ अप्लाई हो जाएगा, पर मॉन एंड यूआई का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड्रॉइड 12 एंड्रॉइड 13 के साथ है जो मॉन एंड यूआई का जो ऑप्शन से काम करता है, या पर एंड्रॉइड 10 एंड्रॉइड 11 के साथ है जो मॉन एंड यूआई का जो ऑप्शन से काम नहीं करेगा। पर सेटिंग्स मोड के साथ भी मॉन एंड यूआई का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। पर यहाँ पर इस जीकेएम के साथ जो ऑडियो जूम का जो ऑप्शन से इसे ऐड किया गया है, ऑडियो जूम का जो ऑप्शन से इसे एनेबल करने के बाद जो है वीडियो के बैकग्राउंड के ऊपर जो भी नॉइस रहेगा ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। या पर वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है, पर वीडियो स्टेबलाइजेशन का जो ऑप्शन से काम करता है। पर सेव सेल्फी सेस प्रीव्यू जो मिरर फोटोज का जो ऑप्शन से भी ऐड किया गया है। यहाँ पर मैनुअल कंट्रोल के ऊपर जो है एक्सप्लोर का ऑप्शन है, प्लस वाइट बैलेंस का ऑप्शन है। सिंपली एक्सप्लोर के साथ जो ब्राइटनेस एंड शेडो को कंट्रोल कर सकते हो। प्लस यहाँ पर कलर टेम्परेचर का जो ऑप्शन से भी ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से जो है कलर टेम्परेचर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से ये जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर एक्सप्लोर का जो ऑप्शन से भी ऐड किया गया है, इसके साथ जो है आप ब्राइटनेस एंड शेडो को कंट्रोल कर सकते हो। पर जो है कलर टेम्परेचर प्लस यहाँ पर जो है ब्राइटनेस एंड शेडो को कंट्रोल करने के लिए जो एक्सप्लोर का जो ऑप्शन से भी ऐड किया गया है। यहाँ पर मैनुअल कंट्रोल के ऊपर जो वाइट बैलेंस एंड एक्सप्लोर का ऑप्शन है, पर ग्रिड टाइप का ऑप्शन है, 3:3 4:4 का ऑप्शन है, पर फ्रेमिंग हिंट्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड का ऑप्शन है। सिंपली डू नॉट डिस्टर्ब मोड का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद जो है जीकेएम के साथ अगर आप कोई भी वीडियो को रिकॉर्ड करोगे कोई भी नोटिफिकेशन देने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर डिवाइस स्टोरेज का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, यहाँ पर आप देख पाओगे कितने मिनट तक वीडियो कितना फोटोज को क्लिक कर सकते हो इसे ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो है गेशेस का ऑप्शन है, सिंपली यहाँ पर वॉल्यूम बटन के साथ फोटो को क्लिक कर सकते हो। पर सोशल शेयर का ऑप्शन है, डायरेक्टली आप जीकेएम से फोटो एंड वीडियो को शेयर कर सकते हो। बच्चे सोशल शेयर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। पर गोल्डन का सजेशन है, कैमरा साउंड का या सब डिजेबल कर सकते हो। यहाँ पर सेफ लोकेशन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। अगर बात करें एडवांस सेटिंग्स के बारे में, यहाँ पर HDR कंट्रोल का ऑप्शन है, रॉ फोटोज का ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रॉ फोटोज का जो ऑप्शन है एनेबल नहीं रहता, आपको अलग से एनेबल करना होगा। यहाँ पर
इनेबल टाइम लैप्स फॉर एस्ट्रो फोटोग्राफी का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर टाइमर लाइट का ऑप्शन है, कैमरा टिप सीरीज को ऐड किया गया है, डिवाइस इंटरफेस का ऑप्शन है, डिवाइस सिलेक्शन फॉर एचडीआर का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर इस जीकैम के साथ जो अपस्केलिंग फोटो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। बेसिकली यहाँ पर फ्रंट कैमरा एंड मल्टीपल लेंस के साथ जो अपस्केलिंग फोटो का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। तो अगर आपके डिवाइस के ऊपर 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल और 108 मेगापिक्सल का सेंसर है, तो इस जीकैम के साथ आप 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल और 108 मेगापिक्सल के साथ जो फोटो क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर अपस्केलिंग फोटो का जो ऑप्शन काम कर जाएगा सभी लेंस के साथ, काफी बढ़िया बात है। इसे भी ऐड किया गया है जीकैम 8.4.4 के साथ। एंड यहाँ पर डिवाइस सिलेक्शन फॉर एचडीआर का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर अलग अलग जो पिक्सल डिवाइस है फीचर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो, काफी बढ़िया बात है। अलग अलग जो पिक्सल डिवाइस का जो फीचर्स है ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर डिवाइस इंटरफेस का ऑप्शन है, यहाँ पर जो पिक्सल 6 का जो कैमरा फीचर्स है यूज कर सकते हो, पिक्सल 7 एंड 7 प्रो के साथ अभी फिलहाल कोई भी ऑप्शन और कोई भी चेंजेस देने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर डिवाइस इंटरफेस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। पर ऑटो नाइट साइड का ऑप्शन है, एचडीआर मोड का ऑप्शन है, रॉ फोटोज का ऑप्शन है, पर टॉप शॉट को ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से बचे टॉप शॉट का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। पर टाइमर का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है, टॉप शॉट, मोशन फोटोज और लाइव फोटोज का ऑप्शन है। पोर्ट्रेट मोड की अगर बात करें, पोर्ट्रेट मोड के साथ जो है पर ऑटो नाइट मोड का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, पर फेस रिटचिंग को ऐड किया गया है। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ फेस रिटचिंग का ऑप्शन है, एचडीआर मोड का ऑप्शन है, पर पोर्ट्रेट मोड के साथ जो है एचडीआर मोड का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। एचडीआर एनएस मोड का ऑप्शन है, टाइमर का ऑप्शन है, 3 सेकंड 10 सेकंड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर मोशन के साथ जो है इसे भी ऑप्शन है, एक्शन पैन, लॉन्ग एक्सपोजर का ऑप्शन है, नाइट साइड फीचर के ऊपर जो है रॉ फोटोज का ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट रॉ फोटोज का जो ऑप्शन है एनेबल नहीं रहता, आपको अलग से एनेबल करना होगा। यहाँ पर एस्ट्रो फोटोग्राफी का ऑप्शन है, टाइमर का ऑप्शन है, फोकस के ऊपर, नियर फार इन्फिनिटी का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। एंड इससे भी ऑप्शन अवेलेबल है नाइट साइड मोड के ऊपर। अगर बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है पिक्सल 6 प्रो के साथ काम नहीं करता, आपको सिंपली बच्चे पिक्सल 2 एक्सएल को सिलेक्ट करना होगा। पर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो इससे भी ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर 60fps का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। सिंपली बच्चे सेटिंग्स में जाके यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके एडवांस सेटिंग्स में जाके बच्चे डिवाइस इंटरफेस से हम यहाँ पर सिंपली पिक्सल 2 एक्सएल को सिलेक्ट करते हैं, और पिक्सल 6 प्रो के साथ जो है वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम नहीं कर रहा है रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के साथ। तो अभी फिलहाल जो है वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा इसे भी ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा अभी फिलहाल। यहाँ पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, अगर आपके डिवाइस के ऊपर 4K 60fps का सपोर्ट है तो इस जीकैम के साथ आप सिंपली 4K 60fps के साथ जो है वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, काफी बढ़िया बात है। पर एक्सटर्नल माइक का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है इस जीकैम के साथ जो है, एक्सटर्नल माइक का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पर 24fps, 30fps, 8fps का ऑप्शन है, वीडियो स्टेबलाइजेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर राउंडेड कॉर्नर को ऐड किया गया है। यहाँ पर स्टैंडर्ड, लॉक, एक्टिव सिनेमेटिक पैन का ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है। टाइम लैप्स की अगर बात करें, टाइम लैप्स के ऊपर 1x, 5x, 10x, 30x, 120x का ऑप्शन है। एंड स्लो मोशन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, 1/4x का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर पैनोरामा एंड फोटो एक्सपर्ट मोड का ऑप्शन है, अगर आप 360 फोटो क्लिक करना चाहते हो तो पर 360 फोटो क्लिक करने के लिए जो पैनोरामा का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर फोटो एक्सपर्ट मोड का जो ऑप्शन है फिलहाल काम नहीं कर रहे, देख सकते हो बच्चे फोटो एक्सपर्ट मोड का जो ऑप्शन से काम नहीं कर रहा है इस बिल्ड के साथ, शायद नेक्स्ट बिल्ड के ऊपर ये जो ऑप्शन से फिक्स हो जाएगा। एंड यहाँ पर पैनोरामा का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, पैनोरामा के साथ जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। पर पैनोरामा का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। यहाँ पर बात कर लेते कौन कौन से ऑप्शन से पर काम करें, सबसे पहले बात कर लेते कैमरा के बारे में। सिंपली बच्चे कैमरा का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, पर एचडीआर प्रोसेसिंग इंडिकेटर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्लस इस एरो में टैप करने के बाद आप डायरेक्टली जीकैम से फोटो एंड वीडियो को शेयर कर सकते हो, पर सोशल शेयर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। पर सोशल शेयर का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, आप इस जीकैम के साथ जो है एचडीआर एनएस मोड के साथ जो है बढ़िया फोटो क्लिक कर सकते हो। अगर बात करें पोर्ट्रेट मोड के बारे में, यहाँ पर इस जीकैम के साथ जो है पोर्ट्रेट मोड का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, काफी फास्ट इस जीकैम के साथ जो है फोटो क्लिक कर सकते हो, काफी बढ़िया शटर स्पीड देने को मिलेगा। अगर बात करें पर नाइट साइड फीचर के बारे में, पर एस्ट्रो मोड का जो ऑप्शन से काम करता है, काफी बढ़िया बात है। पर एस्ट्रो मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा जीकैम 8.4.4 के साथ। यहाँ पर डेडिकेटेड एस्ट्रो मोड को ऐड नहीं किया गया है, पर ऑटो का ऑप्शन है, ऑफ का बटन है, यहाँ पर रॉ फोटोज का ऑप्शन है, मैनुअल फोकस को ऐड किया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करेगा, यहाँ पर 4K 60fps का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। अगर आपके डिवाइस के ऊपर 4K 60fps का सपोर्ट है तो इस जीकैम के साथ जो है 4K
60 पेज के साथ जो वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, या पर 4K 60 पेज का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस टाइम लैप्स का ऑप्शन है, पर टाइम लैप्स का जो ऑप्शन से काम करता है रेबिनो 10 प्रो डिवाइस के साथ, जीकैम 8.4.4 के साथ। अगर बात करें स्लो मोशन के बारे में, पर 1/4 का ऑप्शन है, पर एक्सटर्नल माइक का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के साथ जो है या पर स्लो मोशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, काफी बढ़िया बात है। पर 1/4 के साथ एक्सटर्नल माइक के साथ जो है स्लो मोशन का जो ऑप्शन से काम कर रहा है रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के साथ। एंड यहाँ पर 1/8 का जो ऑप्शन से भी ऐड किया गया है रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के साथ जो है 1/8 का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पर जो है स्लो मोशन का जो ऑप्शन से काम कर रहा है। तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आप जो है स्टॉक कैमरा का यूज कर सकते हैं, पर जो स्टॉक कैमरा का यूज करना है वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड कैमरा एंड यहाँ पर नाइट साइड मोड के लिए आप जीकैम का यूज कर सकते हो। यहाँ पर इस जीकैम के साथ जो है काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिलता है। एंड अगर आप HDR NS मोड को बंद कर दोगे तो बच्चे बहुत ही फास्ट आप इस जीकैम के साथ जो फोटो क्लिक कर सकते हो। बच्चे HDR NS मोड को ऑफ करने के बाद जो है बहुत ही फास्ट इस जीकैम के साथ फोटो क्लिक कर सकते हो, काफी बढ़िया शटर स्पीड देने को मिल जाएगा। ये जीकैम का बिल्ड है हमने यहाँ पर रेबिनो 10 प्रो, रेबिनो 7, MI2, पोको F1, पोको X3, रियलमी 5 प्रो, ये सभी डिवाइस के ऊपर ट्राई करके देखा है, सभी डिवाइस के ऊपर काम कर जाएगा। एंड बहुत सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है एंड काफी स्टेबल बिल्ड है, ऑलमोस्ट सभी ऑप्शंस काम करते हैं, पर पोर्ट्रेट मोड, नाइट साइड कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, 1/4x, 1/8x, स्लो मोशन का जो ऑप्शन से काम कर जा रहा है रेबिनो 10 प्रो डिवाइस के साथ, काफी बढ़िया बात है। डेफिनेटली इस जीकैम को ट्राई करके देखना। यहाँ पर इस जीकैम को यूज करने के लिए आपके डिवाइस के ऊपर कैमरा ट्री पे एनेबल होना चाहिए, पर एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 12, एंड्रॉइड 13 के साथ ये जो जीकैम का कैपेबिलिटी काम कर जाएगा। रेडमी, शाओमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, सैमसंग, आईक्यू, ऐसे भी डिवाइस के ऊपर ये जो जीकैम का कैपेबिलिटी काम कर जाएगा, काफी बढ़िया बात है। एनीवे वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। एंड्रॉइड 12, एंड्रॉइड 13 के साथ मॉनेंड यूआर का जो ऑप्शन से काम करता है जीकैम 8.4 के साथ, आप सिंपली गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके जो लेटेस्ट जीकैम 8.5 का जो वेल्ड है उसे भी आप चेकआउट करके देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।